नमस्कार, मैं कुमारी शिखा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे। आज बात करने वाले कि क्या 24,000 में बच्चे मिलते हैं। सच में आपने ऐसा ही सोचा होगा ना? तो बिल्कुल 24,000 रुपये सिर्फ आप दे करके बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो पैसे जो रखे हैं बच्चा के अडॉप्शन के लिए, जो अडॉप्शन फ़ी है वो 40,000 रुपये है। ये तो सब लोगों को पता है, लेकिन क्या 24,000 रुपये देकर के हम बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं? ये थोड़ा अलग है कि नहीं? तो बिल्कुल, आप 24,000 रुपये जब भी आप प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर में जाएं बच्चे को गोद लेने, तो सिर्फ़ और सिर्फ 24,000 रुपये देकर के आप बच्चे को गोद ले सकते हैं। बाकी का जो 16,000 रुपये बचता है वो आपके अडॉप्शन होने के बाद आपको देना है, यानी कि जब आपका फाइनल डिग्री हो जाएगा कोर्ट से तो उसके बाद आपको देना है 16,000 रुपये। गोद आपको बच्चा तब आपको दे दिया जाएगा जब आप सिर्फ 24,000 रुपये पेड करेंगे, जिसको प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर में बोला जाता है। 40,000 देना है पेरेंट्स को गोद, लेकिन दो भागों में, दो किस्त में देना है। ये नहीं कि एक ही बार में आप 40,000 दे देंगे, नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, वन टाइम नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं आप, जब आप बच्चा गोद लेने जाएं प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर में, तो आप सिर्फ 24,000 रुपये दे करके बच्चे को गोद ले सकते हैं। उसके बाद जब आपका फाइनल डिग्री हो जाएगा, फाइनल डिग्री जब कोर्ट से आ जाएगा, उसके बाद आपको 16,000 रुपये देना है। यानी टोटल अमाउंट जो है वो 40,000 है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं 40,000 एक बार में देने के नाम से डर जाते हैं, इसीलिए उसको दो किस्त में कर दिया गया है। तो अब आपको 40,000 रुपये एक बार में नहीं देने हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ 24,000 रुपये देने हैं और बच्चे को अडॉप्ट करना है। बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर में जब बच्चा को वो दे देते हैं तो क्या उसके बाद वो वापस ले लेंगे बच्चे को? तो बिल्कुल नहीं। प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर में बच्चे को इसलिए आपको दिया जाता है ताकि कोर्ट का प्रोसीजर जो है वो चलता रहे।